फिरोजाबाद में 5 नवंबर को हुए बहुचर्चित पूनम हत्याकांड का खुलासा आज पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतका के पति को ही गुनहगार के रूप में प्रस्तुत किया है। पुलिस ने कई तथ्यों पर अपनी बात कही और मायके पक्ष से मिली तहरीर और आरोपी के बयानों के आधार पर तफ्तीश कर मामले का खुलासा किया है। मामला 5 नवंबर 2018 का है, जहां जैन नगर के थाना उत्तर क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था, जहां महिला का शव उसी के घर में पड़ा हुआ मिला था। प्रथम दृष्टि लूट की घटना लोगों को लगी, वही पुलिस इस घटना की जांच में जुटी। इस घटना से समूचा इलाके में दहशत दिखने लगी, लिहाजा पोस्ट कॉलोनी में हुई इस घटना के बाद से पुलिस पर काफी दबाव। जी शाम को एक महिला की हत्या की सूचना पर मीडिया पहुंची थी, क्या घटना के बारे में पुलिस ने सब चीज में पाया? हाँ देखिए, धनतेरस के दिन 5 तारीख को पूनम अग्रवाल नामक महिला का मर्डर हुआ था, जिसका थाना उत्तर प्रयोग पंजीकृत हुआ था। और इसमें विवेचना के दौरान ये आए कि इसमें पति द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। पारिवारिक विवाद इसका काफ़ी जड़ रहा, पत्नी से इनका जो है हमेशा झगड़ा रहता था, शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी थे, हैं मकान इनका इसमें रुका हुआ था, कुछ पैतृक आवास प्लॉट है जिसको अपनी बड़ी बहन को देना चाहते थे, ऐसा पत्नी को शक था। वो बोलती थी कि अपने नाम करा लो, ये नहीं करा रहे थे, ये भी विवाद था। इनका एक दिन पूर्व मोबाइल छिन गया था, उसकी इन्होंने सूचना नहीं करी 100 डायरी को भी, किसी को नहीं बताया। इससे भी पत्नी से विवाद हुआ था, बच्चे के कथन से सब सामने आई बात। और सुबह चाय बनाने को लेकर के इन्होंने बोला चाय बनाओ, उन्होंने कहा कि हम चाय नहीं बनाएंगे, इस बात से विवाद हुआ। उन्होंने सील लोढ़ा से लेकर के इन्होंने मार करके उसकी हत्या कर दी थी। लोढ़ा भी हमारे कब्जे में है, उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि इनके द्वारा ही मर्डर किया गया है, उनको भी है। सबसे महत्वपूर्ण सुराग लगा, ये सब शुरू से ही झूठ बोलते रहे। घर से 100-200 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे में एक कैद है, ये ऑफिस जा रहे हैं, इसके बाद लौट रहे हैं, फिर 9 मिनट बाद बैक हो रहे हैं। इसका इनके पास अभी तक याद नहीं आया है कि उस दिन हम कहाँ गए। 9 मिनट Day 1 से इस बात को इनकार कर रहे हैं, हमें याद नहीं है, मेरे दिमाग से ये बात स्लिप कर गई है। इसी पे पुलिस को शक हुआ, फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी रही। अंत में मायके पक्ष का बयान और सारे तथ्यों से जब इससे हम लोगों ने पूछताछ की, तब इन्होंने कबूल किया कि हाँ मेरे द्वारा इसकी हत्या की गई है, इनको जेल किया जा रहा है। पुलिस की पड़ताल में कोई CCTV फुटेज का भी एविडेंस है? हाँ, तो हमारा मुख्य एविडेंस है CCTV एविडेंस, हमारा मुख्य एविडेंस। मौके पर जो घटना उस वक्त दर्शाई जा दिख रही थी, उसमें लूट की भी चर्चा थी, क्या ऐसी कोई बात पाई गई? ये तो इनके द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई है, ताकि प्रथम दृष्टि लगे कि लूट के हिसाब से एक घटना की गई है, जबकि वो महिला खुद ही इनके बयानों से स्पष्ट है वो कभी खोलती नहीं थी दरवाजा, और दूसरे के जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है वहाँ पर, दरवाजा टूटा नहीं हुआ, खुला हुआ है। इन्होंने घटना करके ही ऑफिस के लिए प्रस्थान किए हैं, और फिर बीच में जा करके थोड़ा बहुत लूट का मामला है, वो सब सीन क्रिएट इन्होंने किया है। पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरे खंगाले और घर परिवार के लोग मृतका के मायके वालों के आरोप और मृतका के बच्चे के बयान लिए। वही मृतका के पति पर पुलिस का शक बढ़ता चला गया। जब पुलिस ने क्राइम सीन जोड़े, तब पूरे घटनाक्रम से पर्दा परत दर परत हटता चला गया और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ पर आरोपी ने सारी बात पुलिस को बताई। वही आरोपी ने मीडिया के कैमरे पर अपने आप को निर्दोष बताया। वही पुलिस ने साफ तौर पर कहा, मृतका और आरोपी में आंतरिक कलह बहुत थी, घर की जमीन को लेकर भी विवाद था, अक्सर दोनों में लड़ाई होती थी। हत्या वाले दिन जब आरोपी ने पूनम से चाय के लिए कहा तो उसने देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज आरोपी ने सिल बटना के बटना से महिला के सर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिरोजाबाद से साहिल। मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, पूरी विवेचना ठीक से नहीं की गई है। अभी तक यही मतलब जांच में यही पाया गया है कि इस तरीके से आप
बता रहे हैं सीसी कैमरे की फुटेज भी है एस पी सी डी साहब के पास, और उसमें क्या मतलब जो 9 सेकंड का जो आपका हेर फेर रहा है, क्या मामला था वो? 9 सेकंड का जो हेर फेर है उसमें मैं मुड़ के आइडिया के मोबाइल पे सिम रिचार्ज कराई है। हाँ, उसमें सिम रिचार्ज उस पर हुई नहीं। 2-3 बार उसने पहले तो मेरा मोबाइल ऑन करने की कोशिश की, मोबाइल ऑन नहीं हुआ। फिर उसने मेरे मोबाइल की सिम निकाली, सिम निकाल के अपने मोबाइल में डाली और उसके बाद उसने उसको इनिशियलाइज करने की कोशिश की, वो नहीं हुई। फिर उसने दोबारा डाली, 3री बार उसे लगा कि ये सिम ठीक से सेट नहीं हो पा रही है, तो उसने एक आइडिया की नई सिम निकाली, उसकी सिम हटा दी, उसका चौखाना रह गया। अच्छा, उसका जो चौखाने में सिम फंसाई और सिम फंसा के अपने मोबाइल में लगाई, लेकिन जब नहीं हुई तो मैंने कहा आप रहने दे। क्या मानते हैं किसने किए थे? आपने नहीं किया, किसने किए? जो घर में जितना पैसा था 80,000 रुपये वो पूरा गायब है, और 8-9 तोले सोना था वो गायब है। उसके बाद लूट के बाद उसने हत्या की है, या तो पहचान का होगा। आपने नहीं किया हत्या? मैंने कोई हत्या नहीं की, न मैं मर्डर कर सकता, न मैं पूरा ऑफिशियल व्यक्ति, न पूरे टाइम ऑफिस का काम करता हूँ मैं। उनकी न तो कोई नाइंसाफी थी, उनके लिए मकान भी बनवा रहा था मैं, उस मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था।